हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज हमारा टॉपिक है अन्योक्ति अलंकार, जो व्याकरण खंड का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह 9वीं 10वीं 11वीं की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आज हम आपको बताने अन्योक्ति अलंकार होता क्या है और आप कैसे सरल शब्दों में लिख कर और पूरे पूरे नंबर पाए, है ना। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो, वहाँ क्या हो, अन्योक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी की उपस्थिति भी ना हो फिर भी वहाँ उपस्थिति का बोध हो जाता है, वहाँ क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। उसे कहते हैं, है ना, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन गए काली हमारी बार। इसमें बताया गया है कि माली को आते देखकर कलियां क्या करती हैं, पुकार करती हैं, है ना। जो फूले पूरे चुन गए हैं, यानी जो फूले उन्हें चुन लिया जाता है और छोटे छोटे कलियां क्या करती हैं कि कली हमारी बार। इसका मतलब बताया गया है, इसका सही अर्थ क्या है कि माली कलियां और फूल क्या है, सब क्या है, अप्रस्तुत, मतलब अप्रस्तुत है, इनका प्रस्तुति नहीं है। फिर भी मतलब उसे बताया गया है कि इसके क्या काल प्राणी और मृत वृद्धों का बोध कराया गया है इसमें, है ना। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन का बटन दबा लीजिए। जय हिंद।